हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल यानी कि 22 मार्च दिन रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसमें पूरे देश के साथ साथ इंडियन रेलवे की सभी ट्रेनें सुबह के 4 बजे से रात को 10 बजे तक बंद रहेंगी। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। दोस्तों, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सिर्फ एक दिन ट्रेन बंद कर देने से क्या हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सही है, सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज पूरा देश जिस वायरस की विकट समस्या से घिरा हुआ है, इसे रोका नहीं गया तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इस वायरस को किसी भी तरह से फैलने से रोका जाए। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वायरस खुले वातावरण में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसे फैलने का कोई जरिया या फिर सरफेस जैसे कि मीडियम या फिर एक दूसरे के संपर्क में आना होता है। यह वायरस किसी सतह पर 9 से 12 घंटे तक जीवित रह सकता है। देश में जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक है, मतलब कि पूरे 14 घंटे। इसके बाद रात के बाद कोई खुद ही नहीं बाहर निकलेगा। दोस्तों, इस तरह से पूरे 24 घंटे तक इस वायरस को कोई नया इंसानी शरीर नहीं मिलेगा, तो यह वायरस अपने आप खत्म हो जाएंगे। ट्रेन के कोच, सीट, हैंडल, ऑफिस, दफ्तर, जिसमें की चीजों को लोग बार बार छू रहे हैं जिससे यह वायरस फैल रहा है, वह ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाएगा, क्योंकि उन सब चीजों में लोगों का संपर्क नहीं होगा। इसीलिए ट्रेन को भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि लोग 14 घंटे तक इन सभी चीजों को नहीं छुएंगे और ना ही यहाँ पर लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क होगा, जिससे वायरस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम सभी को मिलकर इस जनता कर्फ्यू को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि देश अपनी पुनः खुशहाल जिंदगी में आ सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।